कलाम मजीद फुरकान हमीद की जो आयत का एक हिस्सा मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया महबूब आपके रब को ये ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपको हाकिम तस्लीम न करें। अब हाकिम की कुछ शरायत है, पहली शर्त हाकिम की यह है कि हाकिम जिंदा हो, अगर हाकिम जिंदा ना हो तो उसको कोई हाकिम तस्लीम नहीं करेगा। आज कोई अय्यूब खान को हाकिम तस्लीम नहीं करता कि वो जिंदा रहता, भुट्टो को कोई हाकिम तस्लीम नहीं करता कि वो जिंदा रहता। तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक जो जिंदा तसव्वुर ना करे वो ईमान वाला नहीं, बेशक बेशक, क्योंकि उसने आपको हाकिम तस्लीम नहीं किया। दूसरी शर्त, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने हर चीज के इख्तियार का फरमाया, कोई ऐसा ऐसी चीज नहीं जिसके इख्तियार आपको पता ना हो। तीसरी चीज जो है हाकिम के लिए, हाकिम वो है जो एक इलाके का, एक मुल्क का, एक खास रकबे का, सल्तनत का मालिक। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मालिक, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू, इसके अलावा काफी शरायत है और तवर्रुकन इसी पर इत्तफा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप दावा